साल 2005 ब्राजील के सबसे बड़े बैंक से $40 मिलियन लूट लिए गए। टाइट सिक्योरिटी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद लुटेरों ने इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग की थी कि उनके बैंक में घुसने और बैंक को सफा चक करने तक बैंक का एक भी सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजा। मंडे की सुबह थी, फोर्टालेज़ा शहर के लोग अपने अपने कामों पर लौट रहे थे। बैंक का स्टाफ भी हमेशा की तरह लॉकर्स चेक करने बेसमेंट पहुंचा, जहां बैंक का सारा पैसा स्टोर किया जाता था। मगर बेसमेंट में जाते ही बैंक कर्मचारियों के होश उड़ गए। बेसमेंट की जमीन पर किसी ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद रखा था, जिससे लगकर एक गहरी सुरंग बनाई गई थी। हालात को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगा लिया था कि करीब 100 मिलियन से ज्यादा की रकम चुराई गई है। बाद में जांच पड़ताल करने पर पता लगा कि टोटल 164 मिलियन ब्राजीलियन रियाल्स की चोरी हुई थी। पुलिस के एक जाबाज ऑफिसर ने उस पतली सी सुरंग में उतरने का फैसला लिया। हालांकि उनके साथियों को डर था कि कहीं लुटेरों ने सुरंग में बॉम्ब इम्प्लांट न किया हो, या फिर वो खुद हथियारों समेत सुरंग में न मौजूद हों। मगर उस ऑफिसर ने बिना किसी चीज की परवाह किए सुरंग में छलांग लगाई। सुरंग में कूदने के बाद ऑफिसर नेया सुब्रेरा घुटनों के बल रेंगकर आगे बढ़ने लगे। सुरंग में नीचे की तरफ लकड़े की फलियां बिछाई गई थीं। सुरंग में लगे लाइट बल्ब और एग्जॉस्ट फैंस अब भी जल रहे थे। ऑफिसर को लग रहा था कि कहीं लुटेरे अब भी टनल में ही छिपे ना हो। वो धीरे धीरे बिना कोई शोर किए टनल में आगे की तरफ बढ़ने लगे। यही कारण था कि महज 70 मीटर की टनल को पार करने में ऑफिसर नेया सुम्ब्रेरा को 1 घंटे का समय लगा। आखिरकार वो टनल के आखिरी एंड तक जा पहुंचे, जहां से एक सीढ़ी बाहर की तरफ एक घर में निकलती थी। ऊपर से उस सीढ़ी को ढक दिया गया था, जैसे सड़कों पर लगी गटरों पर ढक्कन लगाए जाते हैं। ऑफिसर नेया को उस घर में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उन्हें दिखाई दे रही थी तो बस चारों तरफ जमी मिट्टी। उस रूम में कोई व्हाइट पाउडर फैला दिया गया था, ताकि पुलिस को किसी के भी फिंगरप्रिंट्स हाथ ना लगे। बोरियां, टूटे फूटे इलेक्ट्रिकल टूल्स रूम में बिखरे पड़े थे। लुटेरे टनल से अपनी बाकी साथियों के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में थे। उस कमरे की खिड़की से बाहर देखने पर ऑफिसर इनिया को ब्राजील सेंट्रल बैंक नजर आया। वो उस घर से सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर था। सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद पुलिस को पता लगा कि टनल से लगी वो बिल्डिंग किसी आर्टिफिशियल ग्रास कंपनी की थी। लुटेरों ने आर्टिफिशियल ग्रास कंपनी से लेकर बैंक के बेसमेंट तक सुरंग खोद रखी थी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। ये खबर देश के हर कोने में आग की तरह फैल गई। बैंक के इर्द गिर्द रिपोर्टर्स का तांता लग गया। इस हादसे से 1 साल पहले ब्राजील के साओ पाउलो शहर में भी इस तरह की लूट मची थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि कहीं दोनों घटनाओं के पीछे एक ही गैंग का हाथ शामिल ना हो। लुटेरों ने उस बिल्डिंग को आर्टिफिशियल ग्रास कंपनी के नाम से किराए पर ले रखा था। हर दिन वो लोग ट्रक भर भर के मलबा निकाला करते, पर इस बात की भी जानकारी किसी को नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने रूम में कारपेट बिछा रखा था, जिससे नीचे बनी सुरंग की किसी को भनक तक ना लगे। उस पूरी टनल की लंबाई करीब 73 मीटर होगी, मगर उसे एक मामूली फावड़े और कुल्हाड़ी की मदद से खोदा गया था, ताकि ज्यादा शोर ना हो। टनल के नीचे और उसके दाएं बाएं करीब 900 लकड़े के प्लैंक्स लगे हुए थे। टनल में लाइट बल्ब्स, फैंस, वेंटिलेशन सिस्टम, वाटर पाइप और टेलीफोन लाइन, ये सभी चीजें मौजूद थीं। बाद में जब उनमें से एक लुटेरे की गिरफ्तारी हुई तो उसने बताया कि उनका काम 2400 घंटे चलता रहता था। 7 लोगों की टीम शिफ्ट्स में काम किया करती थी। लुटेरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी टनल से निकाले मलबे को बाहर निकालना। आसपास के लोगों को शक होता कि भला हर रोज इस बिल्डिंग से ट्रक भर भर के मलबा क्यों निकाला जा रहा है। इससे बचने के लिए लुटेरों ने बिल्डिंग में ही मलबे से भरी बोरियां रखना शुरू कर दिया। फिर उस मलबे को उन्होंने बिल्डिंग के बैकयार्ड में फैलाकर बैकयार्ड की लीपापोती कर दी थी। टनल के बगल में एक सीवर लाइन भी थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने टनल को एक ही लाइन में सीधा खोद रखा था। बात करें बैंक के बेसमेंट की, तो वो कोई मामूली कमरा नहीं था। उसमें बड़े बड़े क्रेन्स रखे हुए थे, जिससे पैसों के भारी भरकम लॉकर्स को उठाया जा सके। लुटेरों ने बैंक के उन क्रेन्स का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने बड़ी सावधानी से क्रेन्स को ऑपरेट किए, जिससे कि सीसीटीवी फुटेज उन्हें कैप्चर ना कर पाए। लुटेरों का उन क्रेन्स को ऑपरेट करना और खुद को सीसीटीवी में आने से बचाना, इस बात से पुलिस को शक हुआ कि चोरी करने वाला बैंक का ही कोई एम्प्लॉई हो सकता है। बैंक का बेसमेंट पूरी तरह स्टील से डिजाइन किया गया था। अंडरग्राउंड वॉल्ट कुछ इस कदर बनाया गया था कि ज्यादा कद वाले लोगों का उसके बीच से गुजरना मानो नामुमकिन था। इसी बात का फायदा उठाकर लुटेरे उस पतले से गैप से बिना कैमरा में कैद हुए गुजर गए। लुटेरे इतने शातिर थे कि उन्होंने टनल के एग्जिट को कैमरा से छिपाने के लिए एक कार्ट को लकड़ियों के बॉक्स समेत वहां रख दिया था। वो बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम से भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि सीलिंग पर लगे सेंसर्स महज ही डिटेक्ट
डायरेक्टर्स हैं। इसी के साथ उन्होंने बैंक के अंदर का मैप मानो घोल कर पी लिया हो। लुटेरों ने जुर्म को अंजाम देने फ्राइडे की रात को चुना था, जिस वक्त तक सेंसर्स एक्टिवेट नहीं हुए थे। अंडरग्राउंड वॉल्ट में घुसने के बाद उन्होंने नोटों की गड्डियों को बैग में भरना शुरू किया। उन्हें पता था कि अब मंडे की सुबह तक वो आराम से बिना किसी डर के जितना मर्जी पैसा चुरा सकते हैं। फिर उन्होंने पैसे के बैग्स को प्लास्टिक से बने कार्ड्स पर रखकर टनल के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया। हर बैग में 5,000 ब्राजीलियन रियाल्स थे, यानी 164 मिलियन रियाल्स चुराने में उन्हें कुल 330 बैग्स की जरूरत पड़ी होगी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत उस आर्टिफिशियल ग्रास कंपनी से की, जिसके पीछे से वो लुटेरे ऑपरेट कर रहे थे। वो कंपनी पाओलो सरागो के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आसपास के लोगों ने बताया कि पाओलो बहुत खुश मिजाज किस्म का शख्स था। इस बात से साफ था कि वहां के लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके नाक के नीचे से इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे ये खुलासा किया कि चुराई गई रकम का वजन 3.5 टन था, 3.5 टन था, यानी कि उन पैसों को वहां से निकलने के लिए लुटेरों ने बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल किया होगा। केस ने तब जोर पकड़ा जब पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा। पास ही के कार डीलर से किसी ने भरी मात्रा में कार्स रेंट पर ली थी। उस आदमी का नाम था होजे चार्ल्स, जिसने उन कार्स को रेंट पर लिया था। चार्ल्स एक शिपिंग कंपनी का ओनर था, तो उसके लिए गाड़ियों को रेंट पर लेना एक आम बात थी। मगर पुलिस को शक इस बात पर हुआ कि चार्ल्स ने इतनी बड़ी डील की पेमेंट एक ही बारी में कर दी थी। चार्ल्स के स्टाफ से पुलिस को इस बात का पता लगा कि उन कार्स की डिलीवरी लेते ही चार्ल्स तुरंत उन्हें पहुंचाने साओ पॉलो निकल गया था। साओ पॉलो का नाम सुनते ही पुलिस के दिमाग की घंटी बजी, क्योंकि साओ पॉलो एक टॉप क्राइम एरिया था। एक साल पहले भी वहां कुछ ऐसे ही वारदात हुई थी। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि साओ पॉलो में मौजूद अंडरवर्ल्ड का इस बैंक रॉबरी से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। सेंट्रल बैंक की लूट साओ पॉलो में हुई एक और लूट से काफी मिलती जुलती थी। उस वक्त भी लुटेरों ने ऐसे ही टनल के जरिए चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस के लिए सबसे हैरानी की बात ये थी कि आखिर एक इतने बड़े बिजनेस का मालिक खुद ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर करीब 3,000 किलोमीटर दूर कार डिलीवर करने क्यों जाएगा। पुलिस ने आखिर उस ट्रक को ढूंढ निकाला जो रेंट पर ली गई कार्स को साओ पॉलो पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने वो ट्रक बेला होराइजन नाम की जगह से बरामद किया, जो साओ पॉलो और फोर्टालेजा के बीच पड़ती थी। पुलिस ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन ट्रकों को लोकेट किया और सभी कार्स को जब्त कर लिया। उस ट्रक के मालिक को अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी बैंक रॉबरी का हिस्सा बन चुका है। पुलिस ने ट्रकों में से आई कई कार्स जब्त की, जिनमें से करीब 6 मिलियन रियाल बैगों में पड़े मिले। चार्ल्स के थ्रू पुलिस मार्को रुजेरो तक पहुंची, जो साओ पॉलो का एक मशहूर अंडरवर्ल्ड माफिया था। चार्ल्स खुद भी उस बैंक रॉबरी में बराबर का हिस्सेदार था। उसने पुलिस को बताया कि बैंक रॉबरी में टोटल 34 लोग शामिल थे, जिनमें से वो सिर्फ अपने भाई मार्को को ही जानता था। पुलिस ने एक एक कर सभी लुटेरों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल ग्रास कंपनी का ओनर पाओलो अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए हमेशा बीनी कैप पहना रखता था। और एक नाम जो सामने निकल कर आया वो था अलेमाओ का। अलेमाओ पहले हुई कई हाई प्रोफाइल रॉबरीज का हिस्सा रह चुका था। इस बैंक रॉबरी में भी उसने एक मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। मार्को और अलेमाओ कई चोरियों में एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे। 2001 में मॉइस और 52 और कैदी कारंदारो जेल से टनल के रास्ते फरार हो गए थे। उस टनल को खोदने में भी मॉइस का हाथ था। ऐसे ही जेलों से भाग भाग कर और कई बैंक रॉबरीज को अंजाम देकर मॉइस टनल खोदने में एक्सपर्ट बन चुका था। 2004 में भी उसने ऐसे ही टनल के रास्ते साओ पॉलो का एक बैंक लूटा था। एक दिन उस आर्टिफिशियल ग्रास कंपनी से पुलिस के हाथ एक सिम कार्ड लगा। सिम कार्ड को ट्रेस कर पुलिस ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई, जिसमें उन्हें एंटोनियो और अदामा के बीच की बातचीत सुनने को मिली। दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि बैंक से लुटे पैसों को कहां और कैसे यूज किया जाए। पुलिस एंटोनियो को जानती थी। आगे की तफ्तीश में ये साफ हुआ कि एंटोनियो ने पैसों की गड्डियों को बांधने के लिए कई सारे रबर बैंड्स खरीदे थे। पुलिस ने एंटोनियो को ढूंढ निकाला था। बोआ विर्जम में एंटोनियो अपने घर पर था, जब पुलिस उसके घर के सामने वाले कैफे में लोकल कपड़ों में जाकर उस पर नजर रखने लगी। एंटोनियो के घर से पुलिस ने 12 मिलियन रियाल से भी ज्यादा की रकम बरामद की। बैगों से लेकर अंडरग्राउंड लॉकर तक एंटोनियो का घर पैसे से भरा हुआ था। इस तरह लूट के पैसों को बराबर हर किसी में बांटना डेविड का प्लान था, जो उन लुटेरों का लीडर और उस रॉबरी का मास्टरमाइंड था। उसने अपनी नोटबुक में सभी नोट्स के सीरियल नंबर भी लिख रखे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें से एक डिस्मार नाम के लुटेरे ने ये खुलासा किया कि बैंक के एक गार्ड एडिलसन ने उनकी रॉबरी में मदद की थी। उसने लुटेरों को बेसमेंट और अंडरग्राउंड वॉल्ट की जुड़ी सारी सिक्योरिटी व्यवस्था के बारे में बताया था। रेमांडो लोरेंदो नाम के लुटेरे को भी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स के जरिए धर लिया गया। रेमांडो लोरेंदो ने अपनी साथी अलेसांद्रो से मिलने का प्लान बनाया था। इससे पुलिस को शक हो गया था कि दोनों किसी नए क्राइम को अंजाम देने के फिराक में हैं। अलेसांद्रो बहुत सारे लोगों को अपने साथ किसी बिल्डिंग में ले गया था, जहां से वो लोग टनल की
खुदाई का काम शुरू करने वाले थे। ये टनल वो बैंड्रिजल बैंक को लूटने के लिए खोद रहे थे, जो कि ब्राजील का एक और बड़ा बैंक माना जाता था। डाका डालने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी कि पुलिस ने कहानी में ट्विस्ट डाल दिया। पुलिस ने लुटेरों की बिल्डिंग के सामने ही किराए पर एक फेक बिजनेस सेटअप बनाया और दिन रात उन पर नजर रखने लगी। पुलिस ऑफिसर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ मिलकर लगातार लुटेरों पर नजर बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने उनको रिकॉर्ड करने जगह जगह सर्वेलेंस कैमराज भी सेटअप कर रखे थे। इन सब के बीच किसी ने लुटेरों को कॉल कर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस शख्स ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो लूट की रकम उसके साथ नहीं बांटे तो वो उनका भांडा फोड़ कर देगा। लुटेरों की बिल्डिंग में हर समय स्नाइपर्स निशाना ताके बैठे रहते। पुलिस ने बिल्डिंग पर रेड मारकर 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी होने तक वो लोग टनल को करीबन पूरी तरह खोद चुके थे। रिमांडो लोरेंडो और अलेसांद्रो भी पुलिस के गिरफ्त में थे। अब पुलिस को तलाश थी होजे मार्लियोटो की, जो पुलिस की वांटेड लिस्ट में टॉप पर था। होजे को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसकी बातों से ये साफ था कि वो अपनी गिरफ्तारी से खुश था। लूट से मालामाल होने के बावजूद वो छिपते छिपते अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। गैंग के एक और मेंबर लमाओ ने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा रखी थी ताकि पुलिस उसे ना पहचान पाए, पर वो अपने हाथ पर बने टैटू को मिटाना भूल गया था। पुलिस ने लमाओ के साथ उसके सामान को भी जब्त कर लिया। पाओलो सरागो को किसी ने एक गैराज के बाहर से किडनैप कर लिया था। ये पहली बार नहीं था जब पाओलो को किसी ने किडनैप किया था। उससे पहले भी कई दफा किसी ने पुलिस होने का दावा करके उसे किडनैप कर लिया था। कहानी ने खतरनाक मोड़ तब लिया जब पुलिस ने मोइस को पकड़ा। मोइस अपने परिवार और उसके गुर्गों की मदद से काफी लंबे समय तक पुलिस की नजरों से बचा रहा। जिन FBI एजेंट्स ने मोइस को गिरफ्तार किया, उन्होंने एक कार एक्सीडेंट के दौरान उसे पकड़ा था। कार एक्सीडेंट के चलते रोड के चारों तरफ ऐसा ट्रैफिक जाम लगा कि मोइस का कहीं से भी बच निकलना मुश्किल हो गया था। जहां मोइस ने पूरी रॉबरी की प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी, फर्नांडिनो ने उस बैंक रॉबरी की फंडिंग की थी। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी लूट के लिए उन्हें सॉलिड प्लानिंग की जरूरत थी। ऑपरेशन के अड्डों के रेंट से लेकर लूट में लगने वाली गाड़ियों तक का सारा खर्चा फर्नांडिनो ने अपने जेब से चुकाया था। उसने इस पूरी लूट में 3 मिलियन रियाल्स इन्वेस्ट किए थे, इस उम्मीद में कि उसे इससे कई गुना ज्यादा पैसे वापस मिलेंगे। मगर फर्नांडो की किसी ने बड़ी बेरहमी से जान ले ली। मरने से पहले फर्नांडिनो की भी कई बार पैसा वसूली के चक्कर में किडनैपिंग हुई थी। पैसे देने के बावजूद किडनैपर ने फर्नांडिनो को मौत के घाट उतार दिया। इससे एक बात साफ थी कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे घूसखोर और बेईमान लोग मौजूद थे। फर्नांडिनो की मौत के बाद लुटेरों की किडनैपिंग का सिलसिला जारी रहा। देश के हजारों लुटेरों को आए दिन जान से मारने की धमकियां मिलती रहती, मानो क्रिमिनल्स और पुलिस दोनों में कोई फर्क ही ना हो। एक अपने लालच के चलते जुर्म करता तो दूसरा अपनी पावर का धौंस जमाने। एक और गैंग मेंबर पीड्रो ने अपना डर जताते हुए कहा कि कुछ लोग लूट से मिली रकम को पाने के चक्कर में अक्सर उसकी जान के पीछे पड़े रहते थे। कुल मिलाकर बैंक लूट कर उन सभी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। सेंट्रल बैंक रॉबरी ने न सिर्फ देश के लोगों और पुलिस को चौंका दिया था, बल्कि ऐसी कई और बैंक रॉबरीज को जन्म भी दिया था। ढेर सारी चुनौतियों के बावजूद पुलिस ने दोषियों को जेल में डाला और चोरी की आधी से ज्यादा रकम को बरामद कर लिया। मगर इस केस का एक मुख्य आरोपी जुवेनाइल आखिर तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। पकड़े गए आरोपियों को उनके जुर्म के हिसाब से सजा दी गई, जिसके चलते कुछ को लंबी जेल हुई तो कुछ को आजीवन कारावास की सजा मिली।